प्रेस वार्ता रखने का देखिए मुख्य कारण ये है कि जो प्रधानमंत्री जी कल आए और बिना जल के बंदरगाह का उद्घाटन करके चले गए, अभी तो बरसात का समय बीता है और टेहरी बांध से पानी छोड़ा गया है कि शिप आ सके बनारस में, और वो अभी आप देखेंगे कि 15 दिन 20 दिन के अंदर पानी एकदम कम हो जाएगा गंगा जी में, और बंदरगाह उद्घाटन करके जल्दी जल्दी में आप चले गए। यह गंगा जी के लिए आपने मंत्रालय बनाया, गंगा मंत्रालय बनाया, नमामि गंगे योजना दी, उसके तहत आपने क्या कितने काम हुए गंगा जी को साफ करने में, क्या बालू हट गई, मिट्टी हट गई, क्या वो सिल्ट हट गई, पहले वो काम कराइए तब आप शिप चलाएंगे तब बंदरगाह बनाएंगे। तो बंदरगाह और शिप चलाने का मतलब क्या, जब गंगा जी में सफाई नहीं हुई, उसका पूरा क्रियान्वयन हुआ ही नहीं पैसे का, तो आज ये सब चीज़ें केवल बड़ी बड़ी बातें। ये जो सड़कों का आपने उद्घाटन किया, ये UPA सरकार की है, ये हमारे समय की ये सरकार सड़कें सब स्वीकृत रही हैं, और उसकी बड़ी बड़ी बातें करके आप चले गए। दूसरा, एक मंत्री उनका खुद का अपने विभाग उनके सरकार में काम करने वाला 6 बार का सांसद लगातार अनंत कुमार जैसा व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उनका निधन हो गया, उसके बावजूद आपने कार्यक्रम किए, क्या उसको आप राष्ट्रीय शोक आपने नहीं घोषित किया, सारे कार्यक्रम स्थगित करने चाहिए थे। आज तक की जितनी भी हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है उसको तोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने, हम उसकी निंदा करते हैं।